रास्ते भी कोर्ट में हम लोगों ने देखा था कि अजूरास में हेवन पर हमला कर दिया था, मगर हेवन में भी हेवन आर्मी पहले से ही मौजूद थी जो की उनके डराव कर रही थी और उन्हें देखते ही उन पर तीरों की बरसात कर देती है। और गुआन पगारा से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी डिफेंस की आखिरी लाइन बन जाओ, इसलिए तुम्हें फौरन से हेवनली पैलेस में चला जाना चाहिए। ये सुनते ही टागाटा फौरन से वहां से चला जाता है और वहां मौजूद एक हेवनली सोल्जर कहता है कि जितने भी अजूरास यहाँ पे आए उन सबको खत्म कर दो, आज ने दिखा दो कि हम हेवन गॉड्स के अकब जाते हैं। ये कहने के बाद वो सारे के सारे अपने धीर कमन लेकर खड़े हो जाते हैं और जैसे ही उन्हें ऑर्डर मिलता है तो वो सब के सब एक साथ तीनों की बारिश कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे अजूरा वॉरियर्स और के फ्लाइंग बीस्ट बुरी तरह से जख्मी होकर नीचे गिर पड़ते हैं। और दूसरी तरफ वो हेवन वॉरियर्स कह रहे होते हैं कि ये अजूरा वॉरियर्स ये हार को क्रॉस ना कर पाए, मगर वो अजूरा वॉरियर्स ने जहरे तीरों के बावजूद भी आगे बढ़े जा रहे होते हैं। उनमें से बहुत सारे लोग जख्मी हो जाते हैं, मगर वो हार मानने को तैयार नहीं थे। जिस ऐसे करते वो लोग उस वाल के बिल्कुल तरीब पहुंच जाते हैं, जिसके बाद हेवन वॉरियर कहते हैं कि हम लोग अपनी आखिरी सांस तक इनसे लड़ेंगे। ये कहने के बाद एक वॉरियर फौरन से उस वाल पर कूद जाता है और एक हेवनली वॉरियर को मारने की बार होता है कि अचानक से वहां पर एक और गोल्डन आर्मर वॉरियर आ जाता है जो कि उस अजूरा से कहता है कि मेरे हेवनली पैलेस के जितने भी वॉरियर्स हैं उन्हें कोई भी नहीं मार सका। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे वॉरियर्स आ जाते हैं जो कि लाइट गोल्डन वॉरियर्स होते हैं। वो रब आप आते ही कहते हैं कि जो डी हेवन पर हमला करेगा उस पर जरा भी तरफ में नहीं खाया जाएगा। ये कहने के बाद वो अजूरास पर एक के बाद एक मूव की तरह टूट पड़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अजूरास में से एक पावरफुल वॉरियर अपने लेपन का इस्तेमाल करते हुए गोल्डन वॉरियर का हाथ काट देता है। मंत्र हमें दिखाया जाता है कि वो गोल्डन वॉरियर अपनी डिवाइन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ को दबाव से अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट कर देता है। ये देखकर वो अजूरा वॉरियर कहता है कि बनाइए इमोटो वॉरियर है, पर मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा, फिर मैं देखता हूँ कि ये उद को कैसे जोड़ता है। वो लाइट गोल्डन वॉरियर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो अजूरा वॉरियर उसका सामना में नहीं कर पा रहे थे, मगर पहले वन ऑफ वही अजूरा वॉरियर पीछे से आकर अपने दोनों वेपन्स के साथ उस पर एक जोरदार अटैक करके उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, जिस पर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। मगर इतने में अचानक वहां पर उसे फूल के कुछ पत्ते दिखाई देते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि कौन उस पर पीछे से आकर एक जोरदार अटैक करके उसका काम तमाम कर देता है। लिखता है कि अजूरा वॉरियर वहाँ पर हजरेटा फैलते जा रहे हैं। ये देखते ही वो वहाँ पर एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट करता है, जिससे उसके आसपास जितने अजूरा वॉरियर्स होते हैं वो वहां से दूर जा गिरते हैं। मगर गुआन कह रहा होता है कि इन अजूरा वॉरियर्स के तो बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। मगर दूसरी तरफ वो अजूरा वॉरियर फिर से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं इस एरिन गॉड को छोड़ना नहीं है। ये कहते ही वो उसे चारों तरफ घेर लेते हैं और जैसे उस पर हमला करते हैं तो उलन अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक एक को बहुत ही अच्छे से धूल चटा रहा होता है और बहुत ही आसानी से एक एक के सबका काम तमाम कर देता है। और उसे कहता है कि तुम लोग सोचना भी मत कि तुम लोग अपने गंदे हाथ मेरी बॉडी पर टच करोगे। इतने में एक अजूरा जैसे उस पर पीछे से हमला करता है तो वहाँ पर टगड़ा आकर उसे वापस पीछे धकेल लेता है और बुआन से कहता है कि मैंने तुम्हें एक अच्छी फेवर दी है, इसका मैं हिसाब तुमसे लूंगा। जी कहने के बाद वो दोनों एक साथ मिलकर उन अजूरा वॉरियर्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं और टगड़ा उससे कहता है कि अजूरा वॉरियर्स मरते दम तक लड़ते रहेंगे, ये कभी भी हार नहीं मानते। मगर फिर गुआन उससे कहता है कि मैं उन लोगों को आसान से हैंडल कर सकता हूँ, तुम जाओ और फ्रंट लाइन को जाकर अच्छे से डिफेंड करो। मंडर टगड़ा उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे अंदर से कुछ ज्यादा ही एरोगेंट फीलिंग आ रही है, तुम इनसे नहीं लड़ पाओगे, ये लोग बहुत ही ज्यादा है और आहिस्ता आहिस्ता ये और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मगर लन उससे कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अजूरास ने इस वक्त चार अलग अलग डायरेक्शन से हमला किया हुआ है, अगर किसी एक डायरेक्शन से भी ये लॉलीविडली पैलेस में चले गए तो ये लोग वहां पर बहुत ज्यादा खून खराबा करेंगे। इस वक्त सारे के सारे पावर बोर्ड डिफेंस लाइन पर मौजूद हैं, इसलिए हेवनली पैलेस को गार्ड करने वाला कोई भी नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कैंपोम पैलेस को जाकर गार्ड करो, सिर्फ तुम ही ऐसे बंदे हो जो कि ये काम कर सकते हो। ये सुनते ही खगड़ा उससे कहता है कि ठीक है, मंदिर जरा अजूरा गॉड से बच कर रहना, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उसकी स्ट्रेंथ मेरी स्ट्रेंथ से भी बहुत ज्यादा है। मध्या पे दूसरी तरह गुआन धीरे धीरे सोच रहा होता है कि नहीं, जानता हूँ कि वो अजूरा गॉड तुम्हारा दोस्त है और उससे तुम खुद में ही लड़ना चाहते, अगर वो पावरफुल है तो भी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक बार आ जाने दो फिर मैं उन्हें दिखाता हूँ। ये कहते ही वो दो चार अजूरा वॉरियर्स को वैसे ही उठा कर दूर फेंक देता है और वहाँ पे अचानक से कुछ और अजूरा वॉरियर्स आ जाते हैं और वो उससे कहते हैं मुझे तुम्हारा हार्ट चाहिए। ये कहते ही वो लोग उस बाजार तरफ से टूट पड़ते हैं, मगर गुआन कहता है कि तुम लोगों को मरने की इतनी जल्दी है तो फिर ठीक है। ये कहते ही वो अपने बुद्ध
1000 हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे वहाँ पर हुदा हैंड्स की एकदम पॉलिश सी हो जाती है, जिससे आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो उन जायंट हैंड्स से टकराते ही वहाँ से दूर जा गिरते हैं। वहाँ बहुत ही जल्दी उन लोगों को उस बड़ी इन्वॉल्व से आसमानी से नीचे गिरा देता है। कोई भी ऐसा अजूरा वॉरियर नहीं था जो कि अभी तक गुआन को एक छोटी सी भी खराश तक पहुंचा सका हो। और फिल्म में दिखाया गया है कि गुआन एक दीवार के ऊपर खड़ा होकर अजूरा वॉरियर को आते हुए देखता है। इतने में अचानक एक बहुत ही पावरफुल एलर्जी वेव अटैक आकर उस दीवार पर हिट करता है, जिसकी वजह से हेवनली सोल्जर्स वहां से नीचे गिर जाते हैं। और गुआन कहता है कि मुझे एक बहुत ही खतरनाक किलिंग इन पेंट फील हो रहा है। इस तरह हमें वहां पर अजूरा किंग लुओफेन को दिखाया जाता है। वो गुआन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि टाका के जैसे चाहे यहाँ पे जितने निगोड हो वो मेरा कुछ भी नहीं बना सकते। ये देते ही वो फौरन से वो फ्लाइंग बीस से कूद कर गुआन की बिल्कुल दूसरी तरफ आ पहुंचता है। और विलादे साथ ही गुआन से कहता है कि तो मेरे हाथों से मरना डिजर्व करते हो। ये कहते ही वो उसने हमला करना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जुआन एक बहुत ही पावरफुल अटैक के साथ जहाँ मौजूद जितने भी अजूरा वॉरियर्स होते हैं उन्हें उड़ा देता है। जिस पर वहाँ मौजूद अजूरा वॉरियर्स कहते हैं कि ये जनरल तो बहुत ही ज्यादा वायलेंट होता जा रहा है। वो अपने बाकी साथियों से कहती है कि चलो इन सब बड़ी सब टूट पड़ो। उन सबको अपनी तरफ आता हुआ देख कर हेवी नाव ने उन पर एक के बाद एक पावरफुल एनर्जी अरे से मार शुरू कर देती है, जिससे वो उन लोगों को हवा में ही डिस्ट्रॉय करके नीचे गिरा पाए होते हैं। और हम लोग दूसरी तरफ युवान को देखते हैं। वो अपने हेवनली होस्ट वॉरियर को कहता है कि सब लोग बैटल में आ जाओ और कोई भी दुश्मन बचना नहीं चाहिए। जिस कहने के बाद हेवनली आर्मी हैंड टू हैंड फाइट करना शुरू करती है और अजूरा वॉरियर्स उनका जमकर मुकाबला कर लाए होते हैं। और अजूरा वॉरियर्स कहते हैं जिस सब लोग हमारे एटी स्पीयर की माल हैं, ये कहते ही वो लोग जैसे ही जुआन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो जुआन अपने स्पीयर के एक ही वार से बहुत सारे वॉरियर्स को उठाकर वहां से दूर फेंक देता है। इन स्पीयर से एक बहुत ही ऑफन किलिंग अटैक करता है, जिससे जमीन से बहुत बड़े बड़े स्पीयर्स बाहर निकल आते हैं, जो कि बहुत सारे अजूरा वॉरियर्स को बुरी तरह से इंजर्ड कर देते हैं। अगर फिर उन्हें दिखाया जाता है कि वहां पे वही अजूरा कोई ना जाती है, जो कि आके साथ ही जनरल युआन से कहती है कि मेरे तुम्हारा जैसे न जाने कितने ही हेवन गॉड्स को खाया है, अब बस अकेले तुम ही रह गए हो जिसे खाना बाकी है। मैं तुम्हें अंशे से संभाल कर रखूंगी। मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बिलिशियस हो गए। जिसके बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लाइटनिंग गॉड, वो अपनी लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए अजूरा वॉरियर्स को उससे दूर हटा रहा होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपने लाइटनिंग ड्रम्स का इस्तेमाल करते हुए अजूरा वॉरियर्स से कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग एक साथ आओगे तो तुम लोग मुझे हरा दोगे। ये कहते ही वो अपनी पावरफुल लाइटनिंग टेक्निक को इस्तेमाल करता है। इससे वो वहाँ पर बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग एनर्जी क्रिएट करता है और वो उस अटैक को हैंडल एक्स का नाम देता है। इस एनर्जी अटैक से इतनी ज्यादा लाइटनिंग निकल रही होती है कि दूर दूर से जो जो अजूरा वॉरियर्स के करीब आ रहे होते हैं वो उन्हें हिट करते हुए सीधा नीचे गिरा रही होती है। किसी भी अजूरा वॉरियर में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उस लाइटनिंग को क्रॉस कर पाए। जो भी उसके पास आता है उसे जोर का झटका लगता है, जिससे वो वहाँ पर नीचे जा गिरता है। इतने फिर वो लाइटनिंग गॉड अपनी लाइटनिंग की मदद से वहाँ पर लाइटनिंग ड्रम्स क्रिएट करता है, ताकि वो अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सके। और इस अटैक को वो एनकाउंटर लाइटनिंग लाइफ एंड डेथ का नाम देता है। ठेका है कि ऐसा कोई भी वॉरियर मैंने इस लाइटनिंग थंडर अटैक से नहीं बच पाया। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन ड्रोन से बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग एनर्जी निकलती है, जो कि फ्लाइंग बीस्ट के साथ साथ अजूरा वॉरियर्स को भी बुरे तरीके से इंजर्ड कर रही होती है। मजापुर इतने में किंग जेन का एक पावरफुल वेपन उस ड्रम को फिर हिट करता है, जिसकी वजह से वो ड्रम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। गिर कर वो लाइटनिंग गॉड भी हैरान हो जाता है। और जब उसे वहां पर किंग जेन दिखाई देता है तो वो उसे देखते ही पहचान जाता है और कहता है ये तो जेन है। जेन उसे देखते ही फौरन से अपने फ्लाइंग बीस से कूद कर उसके सामने आ जाता है, उससे फाइट करना शुरू कर देता है। वो दोनों ही एक दूसरे पर पंची से अटैक करने की कोशिश करते हैं, मगर किंग वांग के पास एक पावरफुल वेपन होता है और दूसरी तरफ लाइटनिंग गॉड के पास सिर्फ एक हैंड था, जिसकी वजह से किंग जेंग को उस पर एडवांटेज मिल जाता है और वो उस लाइटनिंग गॉड को पंच मारकर उठाकर दूर फेंक देता है। और फिर हमें अगले सीन में एक और जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अजूरा वॉरियर्स हेवन आर्मी के साथ फाइट कर रहे होते हैं। उनमें कुछ पावरफुल वॉरियर होते हैं जो कि बहुत ही आसानी से उन हेवन सोल्जर को अपने रास्ते से हटाते जा रहे होते हैं। और वो अपने बाकी साथियों से कहते हैं कि चलो अब इन हेवन गॉड्स को अपने स्किल्स दिखाने का वक्त आ गया है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो सब लोग उन सोल्जर एकदम से टूट पड़ते हैं और एक एक करके उन लोगों को मारना शुरू कर देते हैं।
और एक असुर वॉरियर एक हेविन सोल्जर की गर्दन अपने हाथों से ही मरोड़ देता है, जिससे उसका काम वहीं तमाम हो जाता है। और दूसरा वॉरियर कहता है कि हमें किंग जेन की जरूरत नहीं है, हमें उसका इंतजार करने के बजाय आगे बढ़ जाना चाहिए। यह हेविन गॉड इतने ज्यादा ताकतवर नहीं है कि हमें इनसे डरकर रुकना चाहिए। ये कहने के बाद अचानक से एक स्क्रोल आता है जो कि उसे चारों तरफ से लिपट जाता है और उसे उठाकर उन वॉल से नीचे फेंक देता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर तीन हेविन गॉड्स आ जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और वो आते साथ ही अजुरा वॉरियर्स को उस वॉल से नीचे गिराना शुरू कर देते हैं। इनमें से एक वॉरियर कहता है कि चलो अब इस जंग को खत्म करने का वक्त आ गया है, तो दूसरा गॉड कहता है कि इन लोगों को दिखाते हैं कि हम गॉड्स क्या कर सकते हैं, इन लोगों ने हमें कमजोर समझने की गलती कर दी है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो हेविन गॉडेस अजुरा वॉरियर को स्क्रॉल के साथ बांधकर हवा में ऊपर उछालती है, तो वो अजुरा वॉरियर उस स्क्रॉल के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिस पर वो लड़की भी हैरान हो जाती है। और दूसरी तरफ दूसरा हेविन गॉड वो एक अजुरा वॉरियर को पांच मारता है, मगर वो बहुत ही ज्यादा मोटा और ताकतवर होता है जो कि उस हेविन गॉड को बहुत ही आसानी से पीछे पुश कर देता है। ये देखकर गाउटियन कहता है कि ये जंग बहुत ही खतरनाक होने वाली है, चाहे ये जंग अजुरास जीते या फिर हेविन गॉड, नतीजा बहुत ही भयानक होगा और दोनों तरफ से बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, मगर चाहे कुछ भी हो जाए मुझे हेविन की तरफ से अपनी आखिरी सांस तक लड़ना है। जिसके बाद अगले सीन में हमें किंग वाम को दिखाया जाता है जो कि अपनी पूरी आर्मी लेकर हेविन डिफेंस लाइन तक पहुंच चुका होता है और आते साथ ही कहता है कि अब शो टाइम का वक्त आ गया है। ये कहने के बाद वो अपने विंग्स को दोबारा से बाहर निकाल लेता है और बहुत ही तेजी से गार्डियन की तरफ आते हुए उस पर एक जोर से अटैक करता है, जिसके बाद दूसरी तरफ हम लोग मैट किंग लू फेंग को देखते हैं जो कि ह्वान के साथ फाइट कर रहा होता है। वो अपनी सोट के साथ उसे काटने की कोशिश करता है, मगर ह्वान मिंग अपने आप को किसी तरह उससे बचा रहा होता है और वो अजुरा किंग से कहता है कि हमारे पास गॉड्स को भागने का कोई और तरीका नहीं है, तुम बिल्कुल सेम टेक्निक बार बार यूज कर रहे हो, मुझे तुम्हारे चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन लाफ साफ दिखाई दे रही है। मगर फिर मैट किंग उससे कहता है कि मुझे छोड़ो, तो फिलहाल अपनी सिचुएशन को देखो, तुम इस सिचुएशन में हो ही नहीं कि तुम मुझे कुछ समझा सको। ये कहने के बाद वो अपनी स्पिनिंग ब्लेड टेक्निक के साथ उस पर एक जोरदार अटैक करता है, मगर दूसरी तरफ मिंग भी उसकी सोट को अपने हैंड्स के जरिए रोकने की कोशिश करता है और वो दूसरी ब्लेड को रोकने के लिए बुद्धा हैंड को यूज करता है। और फिर लुओ फेंग से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी स्ट्रेंथ के दम पर मुझे हरा दोगे, मगर लुओ फेंग से कहता है कि तुमने अभी मेरी स्वॉर्डमैनशिप देखी कहां है, मेरी ये ब्लेड इतनी ज्यादा तेज है कि मैं इससे तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर सकता हूं। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को जैसे जैसे बढ़ाना शुरू करता है तो ग्वान मिंग को उसे रोकने में और भी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और इतने में जैसे ही लुओ फेंग उसे बहुत ही जोर से पुश करता है तो उसके बुद्धा हैंड टूटना शुरू हो जाते हैं और इतने में ग्वान मिंग अपनी जान बचाकर किसी तरह वहां से निकल जाता है। और अजुरा किंग पीछे देखता है तो ग्वान मिंग उसके पीछे आ जाता है और ग्वान मिंग उससे कहता है कि जैसा कि ठगाटा ने बताया था तुम्हारी स्ट्रेंथ सच में लाजवाब है। ये बात सुनकर लुओ फेंग कहता है कि सच में ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं किसी हेविन गॉड को मारने वाला हूं और वो हेविन गॉड मेरे बारे में पहले से ही बहुत कुछ जानता है, मगर बदकिस्मती से तुम्हारा पाला एक गलत वॉरियर से पड़ा है, मेरे सामने आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये कहते ही वो अजुरा किंग एक के बाद एक एनर्जी वेव अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे ग्वान मिंग को बचने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है और इतने में अचानक कुछ अटैक उसे हिट भी करते हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में हल्के से कट लग जाते हैं। ये देखते हुए ग्वान मिंग अपने सामने एक शील्ड बना लेता है, अजुरा किंग अचानक से उसके बिल्कुल पीछे पहुंचकर उस पर अपनी दोनों सोट के साथ अटैक करता है तो ग्वान मिंग भी उस पर एनर्जी पाल्म अटैक कर देता है। दोनों के अटैक से दूसरे से टकरा जाते हैं, मगर फिर अचानक से वहां पर एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर उनकी लड़ाई रोकने के लिए बाउलिन चेंग जून आ जाती है, जो कि आते साथ ही लुओ फेंग से कहती है कि तुमने अपनी आर्मी के साथ हेविन पर हमला किया है, मैं चाहते हो कि तुम अपने लोगों को लो और यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तुम लोगों के लिए बहुत ही बुरा होने वाला है, तुम सब के सब मेरे हाथों मारे जाओगे। मगर इन बातों का अजुरा किंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बाउलिन शेंग जून पर ही हमला करना शुरू कर देता है, तो बाउलिन शेंग जून उस पर जैसे एनर्जी अटैक करती है तो अजुरा किंग उसे डॉच करते हुए उसके पास आकर उस पर अपनी दोनों सोर्स के साथ एक साथ हमला करता है, जिसे बाउलिन शेंग जून आराम से रोक लेती है। उसकी स्ट्रेंथ देखकर लुओ फेंग उससे कहता है कि तुम हो कौन, तो वो बताती है कि मैं हेविन गॉड और अजुरास की क्रिएटर हूँ। ये कहने के साथ ही वो उसे एक जोरदार एनर्जी के साथ उठाकर दूर फेंक देती है।